हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गरम थाली में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मैरीगोल्ड बिस्किट और चॉकलेट की बनी आइसक्रीम, जिसको बनाने के लिए मैंने तकरीबन 400 ml फुल फैट वाला दूध लिया है और इसको एक पैन के अंदर ऐड किया है। अब हम गैस चालू करेंगे और दूध को गर्म करना स्टार्ट करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन 8 से लेकर के 10 मैरीगोल्ड बिस्किट, जो बाजार में आपको किसी भी दुकान से आसानी से मिल सकते हैं। ये बिस्किट से बने जब आइसक्रीम आप तैयार हो जाएगी तो एक अलग ही टेक्सचर आपको टेस्ट करने को मिलेगा। ये हमने ऐड किए 10 बिस्किट। तो अभी हम एक चम्मच की सहायता से गर्म दूध के अंदर मिलाते रहेंगे जब तक ये इसके अंदर घुल नहीं जाते। अगर किसी वजह से घुल भी नहीं जाएंगे तो भी चिंता करने की कोई बात नहीं, हम लास्ट में इसको एक ब्लेंडिंग जार के अंदर मिक्स करेंगे। इसको हिलाते रहे लगातार ताकि दूध नीचे से जले ना। लगातार चम्मच से हिलाते रहे। इसके बाद हम ऐड करेंगे कैडबरी चॉकलेट, जो 10 रुपए की बाजार में आपको आसानी से मिल सकती है। इसको टुकड़े करके हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको भी हम एक चम्मच की सहायता से हिलाते रहेंगे। इसके बाद हम ऐड करेंगे तकरीबन 4 चम्मच चीनी। अगर आप चीनी ज़्यादा पसंद करते हैं तो एक आधा चम्मच एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हो, वो आप अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं। इसको भी हम इस तरह हिलाते रहेंगे कि जब तक हिलाते रहेंगे जब तक ये गाढ़ा मिश्रण नहीं बनता। ये देखिए इतना गाढ़ा होने तक मैं इसको गर्म करते रहेंगे। इसके बाद हम पैन को उतार के नीचे रखेंगे। पैन गैस से नीचे उतरने के बाद में ये मिश्रण थोड़ा और भी गाढ़ा हो चुका है। इसको हम एक कटोरी के अंदर निकाल के ऊपर से फॉइल पेपर से कवर करके तकरीबन 2 घंटे फ्रीजर के अंदर रखेंगे चील करने के लिए, ताकि ये मिक्सचर और भी टाइट हो जाए। इसके बाद मैंने लिया है 1 कटोरी घर की क्रीम, जो ऑलरेडी हमने 2 घंटे फ्रीजर में रखे चील किया हुआ है। इसको हम एक ब्लेंडिंग जार के अंदर ऐड करेंगे। ये वाला जो मिश्रण हमने 2 घंटे फ्रिज में रखा था उसको भी निकाल के जार के अंदर ऐड करेंगे। इन दोनों मिश्रणों को हम तकरीबन 2 मिनट के लिए ब्लेंड करेंगे ताकि ये मिश्रण जो है बिल्कुल क्रीमी और फ्लफी बन जाए। ये देखिए बनाना बिल्कुल फ्लफी और क्रीमी। इसको हम अभी एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर निकालेंगे। आपके पास किसी भी साइज का जो कंटेनर है उस कंटेनर में आप इसको शेप देने के लिए निकाल सकते हैं और इसको अच्छी तरह एक शेप के अंदर फैलाते रहें। ये जब आप आइसक्रीम खाएंगे तो बिल्कुल भी जो बाजार से जो आइसक्रीम खाते हैं उससे भी अच्छी आपको टेस्ट आएगा। ये देखिए इसके बाद हम इस एयर टाइट कंटेनर को ऊपर से फॉइल पेपर से कवर करेंगे। अगर आप फॉइल पेपर से कवर नहीं करोगे तो इसमें आइस क्रिस्टल बनने के चांसेस होते हैं, इसलिए फॉइल पेपर से कवर पक्का करना है। इसके बाद हम ढक्कन को बंद करके तकरीबन 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीजर के अंदर रखेंगे। आप इसको ओवरनाइट रखें और सुबह खोल सकते हो। ये देखिए 10 घंटे फ्रीज करने के बाद में का रिजल्ट। देखिए ना कितनी शानदार आइसक्रीम बनी हुई है। ये देखिए लुक से पता लग रहा है। इसके बाद हम एक कटोरी के अंदर सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए मैंने एक स्कूप लिया है। स्कूप की मदद से
एक कटोरी के अंदर इसको सर्व करेंगे और ऊपर से मैंने डाला है इसमें टूटी फ्रूटी। ये देखा कितनी शानदार आइसक्रीम दिख रही है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आ गई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।